हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये हमारी है जनवरी का लास्ट वीक और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी। इसमें से कोई ना कोई एक आपके काम की ज़रूर होने वाली है, वन बाय वन बढ़ेंगे। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होगी जिसमें फीस नहीं होगी, बहुत सारी ऐसी होगी जिसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ आपको अलग अलग मिलेगी। तो एक ना एक आपकी पसंद की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें दिल्ली SSSB की तरफ से, यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो काफ़ी सारी पोस्ट है, लाइक फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, रिसोर्सेज सेंटर कोऑर्डिनेट, AYA कुक जो कि मेल के लिए, फीमेल दोनों के लिए, इन्हें ट्रांसलेटर के लिए, हिंदी के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है, एंड सिलेक्शन ऑफिसर HR की भी नीड है। बात करें वैकेंसी कितनी है तो 1896 वैकेंसी रहने वाली है, जो कि 13 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड 13 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें 10th की नीड होगी, कुछ में 12th की, कुछ में डिग्री की, कुछ के डिप्लोमा में। एंड एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो कम से कम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। एंड उस बेसिक करता है कि कम से कम 30-35 के अराउंड आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है, आप सभी इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि इसमें कुछ पोस्ट के लिए फीस नहीं है, जनरल OBC AWS वालों के लिए केवल 100 रुपये है, और बाकी अदर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू कर पाएंगे। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो रिटर्न टेस्ट बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है, अप्लाई आप ऑनलाइन मोड से कर पाएंगे, एंड जॉब लोकेशन आपकी इंडिया के अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टीचर की। अगर आप टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली में ही है, एंड ट्रेन टीचर की ज़रूरत है एंड ड्राइंग टीचर की भी ज़रूरत है, जिसके अंदर 5000 वैकेंसी है, जो कि आप समझ सकते हैं 5000 वैकेंसी कितनी ज़्यादा होती है। आई नो यू नो दैट। एंड इसके अंदर बात करें स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली, तो स्टार्टिंग डेट जो है 8 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो 8 फरवरी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो लास्ट डेट आपकी मार्च तक चलने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी हो जाती है, एंड आप सभी को काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वैकेंसी के अंदर। तो अगर आपको जैसे याद नहीं रहेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मैं एक दिन आपको पोस्ट डाल के रिकॉल करा सकती हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन कितनी है, तो इसमें कम से कम आपकी डिग्री तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, एंड एप्लीकेशन फीस एज यूजुअल कुछ भी नहीं है SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बट अगर आप जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट है तो आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस कम से कम लगेगी। सिलेक्शन इसमें रिटर्न टेस्ट का होगा, ओनली रिटर्न टेस्ट, एंड अप्लाई आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में अगर हम बात करें, ये वैकेंसी हमारी हो जाती है CISF की तरफ से, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आने वाली, यानी कि ASI की। काफ़ी अच्छी और रेपुटेटेड पोस्ट ये हो जाती है। 836 वैकेंसी इसके अंदर रखी गई है। एंड बात करें इसकी, 20 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी रहने वाली है। मई या जून में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसी कोई अपडेट मिलेगी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी सैलरी कितनी होगी, तो 29,200 रुपये से लेके 92,300, यानी कि कम से कम आप ले अप्रॉक्स काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। बट इसमें आपका ग्रेजुएशन होना एज मैंडेटरी है। एज लिमिट आपके 18 से 35 साल के बीच में है, तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। एक ना एक बार जरिए से इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है इसमें, बस आपका रिटर्न टेस्ट होगा एंड फिजिकल टेस्ट होगा। आप इनको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी जॉब पक्की। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में, कहीं से भी अप्लाई कीजिए। CISF.requirement.CSIF.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, हम नहीं तो कोई और ज़रूर से हो सकता है। थैंक यू।